सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्रुव कटारिया। भाई सुबह तो मेरी सुबह 6 बजे हो गई थी, क्यों झूठ बोलूँ। आज मैं सुबह 6 बजे इसलिए उठी हूँ कि मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ। कल मैंने 1 से लेके 7:30 बजे तक लड्डू बनाए और वो लड्डू ऐसे बने, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे पता था बैक पेन है, वो तो सो के ठीक हो जाएगा। उसके बाद भाई मेरे पति देव की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मुझे 4 किलोमीटर वॉक कराई। इन्होंने बोला कि चलो थोड़ी वॉक करेंगे, मुझे थोड़ी का मतलब लगा जाके और आना है। 4 किलोमीटर अपने दोस्त की दुकान तक, मेडिकल तक मुझे वॉक करा के लेकर आए। उसके बाद सो गई मैं। सोने के बाद जब भाई मैं, मतलब नींद मेरी खुली है रात में 1 बजे से पहले, मेरे पैरों की हालत ऐसी थी जैसे मतलब किसी ने पीटा हो डंडों से, और सर ऐसा हो रहा था कि बस अब फट जाएगा। बस मैं रो ही नहीं हूँ, वरना अगर मैं रोती तो इनको पता चल जाता है कि कितनी परेशान है मैं, इसलिए रो ही नहीं हूँ। वरना अब हालत तो मेरी रात में ऐसी होती थी रोने वाली। पहले मैं रात को सर दर्द की दवाई ली, पूरी बॉडी पेन की दवाई ली, पर कुछ नहीं हुआ, आराम आधा आया। सुबह इन्होंने मुझे 6 बजे उठा के चाय बनाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई सच बताओ, इन्होंने मेरी पैर भी मतलब रात में, हाँ भाई प्रॉपर सेवा करी रात में, पैर भी दबाए और पैरों पैर रख के सोए, जिससे मुझे प्रेशर फील हो, जिससे मुझे पेन कम हो। और सुबह उठ के चाय बना के दी है और फिर उसके दोबारा मेडिसिन देकर गए कि तू रेस्ट कर। बट मुझे 6 बजे के बाद नींद नहीं आई है, पर बेड से इसलिए नहीं, हाँ बेड से इसलिए मैं चला जाऊंगा फिर तो इसने सोया ही ना जाए, क्या हो जाए। पर मैं बेड से इसलिए नहीं उठी थी क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, और ऐसा नहीं कि मुझे ठंड लगी थी कि मैंने प्रॉपर कल अपने आप बाहर गई तब भी पूरा कवर किया हुआ था, घर में तब भी कवर किया हुआ था। बस वो जो मैं 1 से 7:30 बजे तक काम करने के, जो मैंने वॉक कर लिया ना भाई, मैंने वो गलत कर लिया। पर अभी मैं ठीक हूँ, पर रात को मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और मेरे गोंद के लड्डू बन के, हाँ पर आज मुझे तो कुछ नहीं करना ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे गोंद के लड्डू बन के तैयार है भाई, बताना व्लॉग में कैसे लगे और किस किस ने ये रेसिपी ट्राई करी है, जिसको नहीं आते थे उसने बना के ट्राई किया है। भाई इनको तो बहुत पसंद है, पर इनकी आदत नहीं बिगाड़ूंगी मैं खुद ना बिगाड़ू। अब मैं अपना सुबह में चाय पी चुकी हूँ, चाय मेरी ये रखी इन्होंने सुबह बना के दी थी। अब मैं खाऊंगी अपना दलिया और साथ में एक लड्डू। रात को मैं सोची थी पूरा लड्डू खाऊं, लेकिन हालत ऐसी नहीं थी कि खाना खाने के बाद वॉक किया था, फिर हालत नहीं बची कुछ खाने की। पर अब मैं एक लड्डू खाऊंगी, उसके बाद अपना काम शुरू करूंगी। एंड बाकी भाई ट्राई करें लड्डू, बहुत ज़रूरी है ठंड में। उल्टा लगा दिए फिर नहीं लगाया था, फिर तू देख रही मैं देख रहा हूँ। चलो बताओ कितने बजे आप ही देखो, 9 बजे रहे थे। इसको आया गया था, इसको पीछे कर रही हूँ। 9:25 शुरू कर लीजिए, ये चलेगा चलेगी, वो तेरे तो रोक कर दी है, उल्टा लगा दिए थे, अल्लू कह रही है सही लगा रही थी, जब पहले सही लगाया था मैंने। अभी भी मेरी गलती है भाई, लियो 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 लियो। देखा आपने कहा था गलत लगाया, मतलब सब चीज में गलती मेरी है इस घर में, हाँ किसी और की हो ही नहीं सकती। मेरा नाम गलती रख दो दुर्गा की जगह, गलती नाम है भाई, गलती कटारिया। काला काला कैसे हो जाए, मैं पेंटर हूँ जो मुझे पता होगा, पता करना फिर। ऐसे दिवाली बेकार हो जाएगी हमारी, इसमें पीवीसी करा लो। करानी पड़ेगी लग रहा है, थोड़ी सी गीली हो रही है। चलो जी, चलो चलो चलो, मैं आ गया शीशे में, ये होने बाद चलो 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 लेके चलो, बहुत बढ़िया। नहीं खींच सक रही आपसे, ये भी
चलो 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 खाया। हाँ वेरी गुड, लड्डू जान दिखा सासू जी जल्दी। बस 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 बस। अरे किस चढ़ रही है, किस चढ़ रही है भाई? कहाँ है तू? ये देख तो गई मैंने, मगर किस चढ़ रही है तू? डर जा, मेरी सासू भी पड़ेगी। कल पैर में दर्द था, आज हाथ पैर तोड़वा के भाई बैठ जाएगी, फिर कहूंगी हाँ 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 देखा मैं कहूँ था ना तो बाहर ही नहीं थे। जाऊँ फिर मैं ले 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 ले, इसमें भी मेरी गलती भाई, देख लो। राम हे राम, हरि राम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये अभी क्या होने वाला तुम्हें सर? बावड़ी छोरी, कर ले काम फटाफट। चलो जी भाई, गाड़ी तो वॉश हो ही रही है, मैं भी अपने आप को वॉश कर लेता हूँ, ना तो मैं बुड्ढा बुड्ढा अच्छा नहीं लगूंगा। गाड़ी तो फिर भी एक दो दिन चल जाती है, अंदर तो थोड़ी क्लीन लग रही है, अब कर तो रहा है। हाँ पर यह एक बार करवा कर लानी पड़ेगी वैसे अंदर तक। हाँ फिलहाल दिन यही तो कारण है। तो चलो जी, अब अपना नहाते धोते हैं, फिर चलते हैं अपना खाना बनाने, फिर दिखाते हैं आपको क्या बनाएंगे, चिकन राइस कैसे बनाने हैं कैसे नहीं, दिखाते हैं आपको। साफ कर दिया उसने, बस जितनी आपने गंदगी मचा रखी थी ना वो सारी साफ करके गया है। मैंने मचाई थी। हाँ अब थोड़ा लग रहा है कि अगर ये नई भी धुली तो कुछ नहीं होगा। हमारी तो भाई हम तो जा नहीं पा रहे थे गाड़ी धुलवाने के लिए, तो जो हमारा वॉश करने वाला भैया जो आते हैं उनसे भाई साफ करवा दी आज गाड़ी, और दिखाती हूँ कितनी गंदगी हुई है आज। ये सारी गंदगी जो दिख रही है ना, इसमें ये मैंने नहीं खाए, ये ऋतिक ने खाए होंगे, ये पक्का ऋतिक है जो बाहर की चीजें खाता रहता है, तो भाई उसकी वजह से ये इतनी देर गंदगी निकली है। अब जा रहे भीतर, ये खाना बनाते हैं। बनानी पड़ेगी आज, बनाने वाले हैं। मैं इसलिए आपसे नहीं पता, बस उसकी क्यों पलट रही हूँ, मेरी रीजन है काटने के पीछे, बताओ क्या? क्या क्योंकि ये गर्म पानी हो रहा है। दिस इज द रीजन। तुम इतना काटती है ना, आपने तो बोल रखा है, तो ये
जिलाने वाला इससे क्या सब्जी ना अच्छा अच्छा चिकन से क्या सब्जी आप अपने आप बढ़ता रहेगा धीरे धीरे थोड़ी स्लो है इस पे काम खत्म नहीं हो सकता मुझे क्यों मैं घर में कुछ ना कुछ करती जो रहती हूँ। चला बैठ के खाना खा ले। रिमोट है? हाँ रिमोट लेकर आज फिर भाई डेकोरेशन चेंज कर दी देख लो। अच्छा लगता है तुम तो अपने में चली जाओ ना हम किसी नए घर में आ गए है ना। हाँ वो फिर हमें कमरे में ले लेते हैं। क्या करने लग रहे हो? अलग ही मजा है। खराब तो ना होंगे? आज तक मैं ऐसे पूछ रहा हूँ मगर इसमें खराब तो ना रहा है। सामान सारा सारा में भर रही थी आज। सामान सारा सारा में भर रही है। ओ मेरी वो क्या बना दी दलिया? हाँ बड़े ओट्स जल्दी बन जाए यार दलिया लेट बने अपने ओट्स खा लिए करते। अब बना दे क्या तो बस बॉईल सामने ना। हाँ बॉईल कर दे एक बार बनाते ना। हाँ गैस देखना तो इतना वो क्यों कर रही जब तू सामने खड़ी है तो ढंग से बॉइल कर ले उसमें। ओके ये सारे घी के डब्बे में भाई वो रख दिए दाल। मैंने कहे बादाम अखरोट रख दे। नहीं मेरी कोई चीज नहीं है ये ना ये आपने चीजों को बहुत गिराते हो। ओहो हो तो मुझे पता है कि आप मुश्किल से महीना नहीं चलने दोगे उससे पहले ही टूट जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि ये टूटे और खराब हो। ओके भाई ओके ओके चलो करो फिर फटाफट से जिम चलना है। वहां मत रखो थोड़ा सा दूर। चलो जी। तो भाई एक रोटी और सब्जी लड्डू और दूध यही मेरी डाइट बेस्ट डाइट हो गया बाप। यही करनी है आज से भाई। एक रोटी इसलिए ली कि ना सब्जी ज्यादा खानी है फिर मेरा हैवी हो जाएगा लड्डू और अगर भूख लगी तो आधा लड्डू और ले लूंगी एक डेढ़ लड्डू दूध के साथ और आज से मैं दूध स्टार्ट कर दी बिकॉज मुझे जरूरत है इस चीज की। राइट ये तो बात है। बुराई करते हो मेरी? खुश हूँ। ऑन कैमरा बुराई करते हो? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। खुश हो तो भाई खाना खाते हैं पहले भूख बहुत तेज लग रही है मेरे को। तो भाई आज का ब्लॉग एंड लड्डू के साथ। अब मेरी आखिरी मील जो है खाना वाना खाए काफी देर हो गई। अब मैं लूंगी अपना एक लड्डू। इवन एक लड्डू नहीं है मैं दिखा देती हूँ एक लड्डू से सिर्फ मेरी थाली में है। अगर मुझे इससे ज़्यादा भी खाना हुआ तो मैंने एक डब्बा छोटा जो मुझे गिफ्ट में मिला था स्टोर से मैंने उसी में अपने लड्डू रख लिए और अब यही खाऊंगी दिन में भी और रात में भी एक सुबह एक शाम या दो सुबह दो सुबह या शाम ऐसे करके। भाई सच में बहुत अच्छी स्मेल है यार। मेहनत भी तो कर रही है इसके लिए। मेहनत की वजह से रात को मुझे फीवर आया वो अलग।
तो भाई इस मील के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और बताना मेरे लड्डू बनाने का जो वे था वो कैसा लगा, लड्डू वैसे उस तरीके से आपसे बने या नहीं बने। काफी लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि इसकी रेसिपी बताओ, ये है वो है। तो भाई जिसको एक बार रेसिपी देखनी हो वो ब्लॉग में चला जाए, और जिसको धीरे धीरे देखनी हो मैं शॉर्ट्स में आज से अपलोड करना शुरू किया, पहला स्टेप कर दिया है जिसमें मैंने मतलब पहला प्रोसेस दिखाया है उसमें। देखो सीखो बनाओ खाओ और फैमिली को खिलाओ। तो इस ब्लॉग को एंड करते हो, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। बाय, गुड नाइट। बाय बाय।